मैं हूँ योशु मायापुरी, न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने अनाउंस किया अपना नेक्स्ट फिल्म चकदा एक्सप्रेस। इस फिल्म में मेन लीड में अनुष्का शर्मा नजर आने वाली है। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं क्लीन स्लेट फिल्म्स, वहीं डायरेक्ट करने जा रहे हैं प्रोसित रॉय। ये फिल्म इंस्पायर्ड है रियल स्टोरी इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ झूलन गोस्वामी, जिसमें अनुष्का शर्मा झूलन का किरदार निभाने वाली है। अनुष्का शर्मा ने खुद कहा कि ये उनके लिए एक स्पेशल फिल्म है बिकॉज इसकी स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है और ट्रिमेंडियस सैक्रिफाइस के बारे में है। वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है इस स्टोरी से, इसलिए ये चीज़ उनके लिए काफ़ी स्पेशल है। ये कहते हुए उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि वो इस फिल्म में स्टार कर रही है। एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 की शूटिंग करने में बिजी चल रहे हैं। वहीं वो मोस्ट चैलेंजिंग सीक्वेंस शूट कर रहे हैं और इसी का ही ग्लिम्स उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपने फैंस के साथ। टाइगर ने एक पिक्चर पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पर, जहां हम उनको चेयर पर बैठे हुए देख सकते हैं और उनके साइड से ब्रांचेस निकलते हुए देख सकते हैं। वहीं एक्टर काफ़ी ज़्यादा डैपर लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने फर जैकेट पहना है ब्लैक पैंट्स और सनग्लासेस के साथ। टाइगर श्रॉफ यहां पर अपने परफेक्ट वॉशबोर्ड एब्स फ्लॉन्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नवंबर 2020 में एक बार फिर सेट्स पर वापस आए शाहरुख खान। सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्टोरियल पठान में नजर आएंगे शाहरुख खान। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ बता दे कि ये फिल्म डिले होती जा रही थी बिकॉज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने ब्रेक लगा दिया था शूटिंग पर। वेल, अगर पठान और ज़्यादा डिले हो जाता है, एज ऐसा कहा जा रहा है कि पठान मार्च में रैप अप कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उनको उनके पोस्ट प्रोडक्शन के लिए 4 से 5 मंथ्स लगेंगे पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। और 2022 के एंड में ही ये फिल्म रिलीज़ हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की रिलीज़ भी डिले हो जाएगी क्योंकि पठान के साथ इंटरलिंक्ड है टाइगर 3 की स्टोरी। तो जब तक पठान रिलीज़ नहीं होती तब तक टाइगर 3 भी रिलीज़ नहीं हो सकती। प्रेम चोपड़ा और उनकी वाइफ उमा चोपड़ा को डिस्चार्ज कर लिया गया है हॉस्पिटल से। दोनों को हाल ही में हॉस्पिटलाइज कर लिया गया था क्योंकि वो कोविड के चलते संक्रमित हो गए थे कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था। उनको लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। प्रेम चोपड़ा 86 ईयर्स के हैं। ट्यूसडे के दिन ही दोनों को डिस्चार्ज कर लिया गया था, ऐसा डॉक्टर का कहना है। बॉलीवुड में प्रेम चोपड़ा जाने जाते हैं बॉबी दो रास्ते और कटी पतंग फिल्मों के लिए, और वो वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी है जो कोविड से संक्रमित हुए। इसके अलावा एक्टर्स जैसे कि जॉन अब्राहम, नौरा फतेही, अर्जुन कपूर, मृणाल ठाकुर, प्रोड्यूसर एकता कपूर भी कोविड-19 पॉजिटिव साबित हुए। जी स्टूडियोज ने वेनेसडे के दिन अनाउंस किया अपना लेटेस्ट फिल्म जिसका टाइटल है बर्लिन। ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है स्टारिंग अपार शक्ति खुराना और ईश्वक सिंह। ईश्वक सिंह को हमने सीरीज पाताल लोक में देखा था। बता दे कि ये फिल्म सेट है 90s पर दिल्ली में और वहीं इसे लिखा गया है और इसे डायरेक्ट करने जा रहे हैं अतुल सबरवाल। बर्लिन की जो स्टोरी है वो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को दर्शाता है। बता दे कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस स्टोरी होने वाली है जिसे देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इन दिनों कोविड के चलते सेलिब्रिटीज़ का पॉजिटिव टेस्ट होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। डेली बेसिस पर ऐसे रिपोर्ट सामने आते रहते हैं आए दिन कि कोई बॉलीवुड या टेलीविजन सेलिब्रिटी पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। वहीं हाल ही में बता दें कि सोनू निगम और उनकी फैमिली पॉजिटिव टेस्ट हुए कोविड के लिए, जो दुबई में है। दूसरी तरफ एरिका फर्नांडिस भी कोविड-19 के चलते पॉजिटिव पाई गई। हाल ही में एक्टर और खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 विनर अर्जुन बिजलानी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब वो नेगेटिव टेस्ट हो चुके हैं जिसके बाद वो फुल्ली रिकवर हो चुके हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस चीज़ को डिक्लेयर भी किया। वेल, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें हम उनको पार्टी करते हुए देख सकते हैं कार में। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपनी वाइफ को विश किया अपने 36th बर्थडे पर। हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की। करंटली
दीपिका और रणवीर एंजॉय कर रहे हैं वेकेशन मालदीव्स में। वहीं एक ग्लिम्स भी शेयर किया रणवीर सिंह ने। फोटो में हम देख सकते हैं कि दीपिका जो है सी में मजे करती हुई नजर आ रही है सनडाउन के टाइम। और रणवीर ने मेंशन किया कि वो प्रमोट कर रही थी अपनी अपकमिंग फिल्म गहराइयां, विच मींस डेप्थ। रणवीर सिंह ने लिखा, माय बेबी प्रमोटिंग हैशटैग गहराइयां ऑन हर बर्थडे क्वेश्चन मार्क। और उन्होंने दीपिका पादुकोण को इस पोस्ट में टैग भी किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सबीना टंडन ने रिसेंटली ओपन अप किया अबाउट यंग एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, जिन्होंने उनको रिप्लेस किया टिप टिप के रीमिक्स के लिए। वहीं अक्षय कुमार ने अपना पोजीशन रिटेन किया एज अ मेल लीड। रवीना टंडन के अकॉर्डिंग ये ट्रेंड जो बॉलीवुड में चल रहा है वुमेन को काफी ज्यादा स्केयर करता है कि वुमेन की एक सर्टेन एज होती है जिसके बाद उनका एक्टिंग करियर खत्म हो जाता है। और रवीना को ऐसा लगता है कि ये एक विन विन सिचुएशन है क्योंकि उनका जो ओरिजिनल सॉन्ग था उसे अभी भी सब लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, यूथ भी इन्जॉय करती है और इस सॉन्ग के लिए रवीना टंडन को अब तक प्रेस करती है। इसके अलावा उन्होंने अपने कंटेम्प्रेरीज जैसे कि शिल्पा शेट्टी और काजोल को भी कॉम्प्लीमेंट किया। रिसेंटली ऐसे रूमर्स सामने आए थे कि तनीषा मुखर्जी की शादी हो चुकी है। तनीषा काजोल की बहन और अजय देवगन की सिस्टर इन लॉ है। वहीं गोवा में करंटली वो वेकेशन मना रही है और उन्होंने अपने फीड के एक पिक्चर शेयर किया था टो रिंग पहने हुए, जिसके बाद इंटरनेट में से कई सारे यूजर्स थे जिन्होंने ऐसा वंडर किया कि उन्होंने सीक्रेटली शादी कर ली है। वहीं इसके बाद अब तनीषा मुखर्जी ने क्लियर किया अपने वेडिंग रूमर्स के बारे में। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कोई सीक्रेट शादी नहीं की है और वो मैरिड नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। दिशा पाटनी के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर 48.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिसे दिशा पाटनी काफी इंजॉय करती है। दिशा पाटनी आए दिन कोई ना कोई पोस्ट शेयर करती हुई नजर आती है, स्पेशली बिकिनी और स्विम वेयर में। ये तो हमें पता चल ही चुका है कि दिशा पाटनी एक बीच बेबी है क्योंकि आए दिन वो वेकेशन मनाती हुई नजर आती है मालदीव्स में अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ के साथ। हाल ही में दिशा पाटनी ने एक और बिकिनी पिक्चर शेयर की जिसमें हम उनको ऑरेंज कलर की बिकिनी में देख सकते हैं। यहाँ दिशा पाटनी कैंडिड पोज देती हुई नजर आ रही है जिसमें उनका लुक जो है काफी ज्यादा नेचुरल और ग्लोई लग रहा है, येट बोल्ड और ग्लैमरस दिख रहा है। आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।